आप किसी भी एग्जाम के पेपर उठा के देखिए, आप लोगों को जनजातियों से संबंधित क्वेश्चंस हर परीक्षा में आपको एक ना एक दो पूछने मतलब देखने को मिले जाएंगे। एमपी में देखिए आप, एमपी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो जब भी जो भी जनजाति चर्चा में रहती है उनके बारे में आप लोग थोड़ा विस्तार से पढ़ लिया करिएगा, ठीक है। आप देखेंगे डोंगरिया कौंद, हाल ही में उड़ीसा के जनजातीय संग्रहालय ने डोंगरिया कौंद जनजाति की श्रम सहकारी समितियों और उनकी संरचनाओं और एवं कामकाज पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक लघु फिल्म प्रसारित की है। क्या की है? लघु फिल्म प्रसारित की है। तो चलिए हम लोग थोड़ा मैप्स में बात कर लेते हैं कि आखिर उड़ीसा कहाँ है आपका। पहले ये आप देखेंगे एशिया है, एशिया में आपका प्यारा और हमारा प्यारा भारत ये है, ठीक है, ये है भारत। तो जब भी कोई राज्य अगर चर्चा में रहता है तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से जान लिया करेगा, क्योंकि उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ये है उड़ीसा, ठीक है, ये है आपका उड़ीसा। इसकी राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर आपको देखने को मिलेगी, यहीं आपको पूरी देखने को मिलेगा। और इसकी स्थापना की गठन की बात करें तो आपको 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। राजभाषा की बात करें तो आपको उड़िया देखने को मिलेगी। और यहाँ आप देखेंगे कि विधानमंडल एक सदनीय है, जहां विधानसभा में आपकी 147 सीटें देखने को मिलेगी, क्योंकि कई बार पूछ लेता है चर्चा के कारण। राज्यसभा सीटें 10 देखने को मिलेगी, लोकसभा सीटें 20 देखने को मिलेगी, ठीक है। विधानसभा 147, राज्यसभा 10 और लोकसभा 20, याद रखिए। और अगर इससे आपसे पूछे कि इससे कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, ये भी आपसे कई बार पूछ लेता है। तो उड़ीसा में उत्तर में आप देखेंगे झारखंड, क्या देखेंगे? झारखंड, ये है झारखंड, ठीक है, ऊपर लगा हुआ है। उत्तर पूर्व में पश्चिम में बंगाल, बंगाल बंगाल, और फिर आप नीचे देखें, नीचे देखेंगे आप आंध्र प्रदेश, और पश्चिम में आप यहाँ छत्तीसगढ़ देखेंगे, और ये आपकी बंगाल की खाड़ी से भी लगा हुआ है, ठीक है, ये भी याद रखिए, ये सामान्य जानकारी है एक तरह से। तो ये जनजाति है, देख रहे हैं, डोंगरिया क्रोंद एक विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह है जो उड़ीसा के रायगढ़ एवं कालाहारी जिलों में नयामगिरी पहाड़ियों की ढलानों में निवास करती है। यह जनजाति अपने समुदाय के ही अंतर्गत कम से कम 10 प्रकार की सहकारी श्रम साझा करने की का अभ्यास करती है। गौरतलब है कि खड़े खड़े पहाड़ी ढलानों पर कृषि करने के लिए अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है, जो ये एकल परिवार प्रदान नहीं कर सकता है। इसलिए डोंगरिया कुरोन जनजाति ने सभी परिवारों के कृषि कार्यों को पूरा करने के लिए श्रम सहकारी समितियां की अवधारणा नामक एक नई स्वदेशी प्रणाली विकसित की हुई है। याद रखिए, जब एक परिवार मिलकर काम नहीं करे, एक पूरा गांव मिलकर काम करने लगे, पूरे एक समूह जाति समूह काम करने लगे, तो उसे उस तरह के कामों को करते हैं। इस खेती को भी ये लोग इस तरह से करते हैं, एकता का एक तरह से आप कहिए कि प्रतीक भी है, सभी मिलकर काम कर रहे हैं। श्रम समितियों की बात करें कि अवधारणा की, तो इस प्रणाली में पूरे समुदाय के श्रम को संलग्न करके सभी परिवारों के कृषि कार्यों को पूरा किया जाता है, उनकी जरूरतों को भी पूरा किया जाता है। सामुदायिक सदस्य कृषि लागत को कम करने के साथ साथ सभी सदस्यों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए एक साथ कार्य भी करते हैं। सहकारी रूप से युवा लड़के लड़कियां, पुरुष महिलाएं, बुजुर्ग गांव के खेतों बागों में श्रम के मामले में समान रूप से योगदान भी करते हैं। साहेब बत्ती प्रणाली, इस प्रणाली के तहत गांव के सभी डोंगरिया लोग एक ग्रामीण की जमीन पर एक दिन के लिए कार्य करते हैं। परंपरागत रूप से मेजबान ग्रामीण बदले में अन्य डोंगरिया श्रमिकों के लिए चावल, दाल, करी और मांड की दावत की पेशकश भी करते हैं। अब सामुदायिक भोज को समाप्त कर दिया गया है, किंतु मेजबान गांव की निधि के लिए एक टोकन राशि का भुगतान करता है। एकत्रित धन का उपयोग पूरे गांव के लिए एक दावत के आयोजन हेतु किया जाता है। इस तरह से कि पहले आप लोग दावतें देखते थे, इसमें एकता भी बनी रहती थी। आज आप देख रहे हैं कि आपके पड़ोसी के यहाँ कुछ कार्यक्रम हो रहा है, आप नहीं जा रहे हैं, आपकी बुराई है। पहले आप देखते थे गांव में अगर भंडारा भी है तो पूरा दो चार गांव भी समेट जाते थे, और आज के मामले में देख लीजिए कि आज एकता ही नहीं है, फूट है, आपका भाई ही भाई में नहीं है, तो आप आगे क्या। याद रखिए, ये परिवार से ही एक तरह से, फिर संस्कारों की बात कर लीजिए या बच्चों की सीख की बात कर लीजिए, परिवार से ही सीखता है, और जब परिवार में ही एकता नहीं रहेगी तो देश कहाँ तक एकता कर पाएगा, समझ रहे हैं। तो देश के लिए भी यहीं से एक तरह से जन्म होता है। शिक्षा की कहते हैं ना कि एक शिक्षा की
शुरुआत आपके परिवार से ही होती है। पंडवाती प्रणाली की बात करें तो इस प्रणाली में समुदाय के 10 से 15 सदस्यों को बुलाया जाता है जब खेतों में कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उल्लेखनीय है कि कार्य की प्रकृति के आधार पर गांव के सदस्यों को भी विशेष समूहों में संगठित किया जाता है। दासबाती या गांव की छोटी अविवाहित लड़कियों की का एक सहकारी समूह है जिन्हें कम तनाव वाले किंतु थकाऊ काम कार्य करने के लिए कहा जाता है, जैसे निराई, खेतों की बाड़, सफाई और फसलों की कटाई आदि। धन गदाबाती यह अविवाहित पुरुषों की सहकारी समूह होता है जिन्हें पेड़ों की कटाई, गड्ढे खोदना आदि कार्य प्रदान किए जाते हैं। एक तरह से आप समझिए कि मतलब आप सोचिए कि सबका काम अपना बटा हुआ है। दाता रूबाती इसके तहत बूढ़े लोग शराब के एक हिस्से के लिए अपने अपने क्षेत्रों में एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इसके बारे में याद रखना है, इस जनजाति के बारे में, ठीक है।